अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे परम्यूटेशंस पे और परम्यूटेशन से रिलेटेड हमने बात की थी। वो थोड़ा सा रिवाइज करने लगा हूं यहां पर कि परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, हम परम्यूटेशन को डिफरेंट पैटर्न्स पे लिख सकते हैं। एक मेथड हमारे पास ये है कि हम परम्यूटेशन को इस तरह से प्रेजेंट कर दें कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 5 हैं और उसमें से हम 3 सिलेक्ट करके अरेंज करने लगे हैं तो n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, और जो ऑब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट करके अरेंज कर रहे हैं 3, वो r ऑब्जेक्ट्स होंगे। सो n आर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और r क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हम क्या कर रहे हैं, अरेंज करने के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। और ये जो r है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। कॉमन सेंस की बात है ना कि ये कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको मैंने क्या करना है, उनको मैंने अरेंज करना है। 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो मैक्सिमम मैं उसमें कितने सिलेक्ट कर सकता हूं, 5 या 5 से कम। मैं 5 ऑब्जेक्ट्स में से 6 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि जो हमने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं फॉर अरेंजिंग वो मैक्सिमम n के इक्वल हो सकते हैं या n से कम हो सकते हैं। और कम से कम हम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो r की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर सॉरी लेस देन इक्वल टू n और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। और परम्यूटेशन को लिखने का दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, npr, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। जबकि फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहां पर एक और चीज मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जाता हूं। मैं यहां पर लिखा है मैंने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम। मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है और मैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहा हूं, एट अ टाइम सिलेक्ट कर रहा हूं। तो परम्यूटेशन का पूरा फॉर्मूला हमारे पास अगर हम अप्लाई करें, मैं यहां पर आपको एग्जांपल दे देता हूं कि मेरे पास लेट्स सपोज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 5, और मैं सिलेक्ट भी कितने कर रहा हूं, 5 सिलेक्ट भी कितने कर रहा हूं, 5, यानी कि यहां पर n और r क्या हो गए हैं, इक्वल। तो अगर मुझे परम्यूटेशन कैलकुलेट करनी है npr, तो फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, दोनों इक्वल है। तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 0, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल। तो बताना ये चाह रहा हूं कि अगर n और r इक्वल हो जाएं, n ऑब्जेक्ट्स और टेकन एट अ टाइम, ये क्या ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, ये बेसिकली r है, और n और r दोनों आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो npn हमारे पास बनेगा, ये बनेगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल, r है ना बेसिकली, r किसके इक्वल आ गया, n के, तो ये 0 फैक्टोरियल हो जाता है। तो हम डायरेक्ट क्या किया करेंगे, n का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया करेंगे। दोबारा रिवाइज करो, सुने, अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और वो ऑब्जेक्ट्स जो आप एट अ टाइम सिलेक्ट करके अरेंज करने लगे हैं इक्वल हो जाए, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप 5 के 5 ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप क्या करो, n फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लो। समझ आ रही बात की, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर तो क्या बन गया, n और r इक्वल होने की वजह से n माइनस n 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, 1 होता है, इसलिए तो खत्म हो जाना है। इस वजह से हमें पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट क्या काम करेंगे, n का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो ये दो बातें यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया, पहली कि परम्यूटेशन का इन जनरल हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल फैक्टोरियल। फिर अगर n और r इक्वल हो जाए तो फिर ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं है, आप क्या काम करोगे, आप जस्ट n का फैक्टोरियल ले लो। फिर एक और सिचुएशन हमारे पास बन सकती है, वो क्या है, यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैलकुलेट करनी, क्या कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट्स हमने कैलकुलेट करनी है जबकि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, n, टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम, यानी कि n और r इक्वल है, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ही ऑब्जेक्ट्स आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। ये तो ये इतनी सिचुएशन तो बिल्कुल ऊपर वाली है, लेकिन यहां पर नई चीज ऐड क्या कर रहा हूं,
आउट ऑफ विच पी आर अलाइक एंड आर ऑफ वन टाइप, पी आर अलाइक एंड आर ऑफ वन टाइप। इधर देखिएगा, मैं अपना नाम लिख रहा हूं यहां पर के एच यू डबल आर ए एम। अब एक दो तीन चार पांच छह सात, सेवन लेटर्स है मेरे पास। कितने लेटर्स हैं? सेवन लेटर्स। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास कितने हो गए? सेवन। एम कितना हो गया? सेवन। अच्छा, अब इसमें अलाइक कितने हैं ये अगर आप ऑब्जर्व करें, आर और आर ये दोनों क्या हैं? अलाइक हैं, एक जैसे हैं। यही तो बात कर रहा हूं कि जो पी है वो मेरे पास क्या है? अलाइक लेटर्स है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स है। एक जैसे ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? दो। समझ आ रही है? तो वो यही बोला है, आउट ऑफ विच, वो जो हमारे पास एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से पी आर अलाइक। पी एक जैसे हैं, पी जो है ऑब्जेक्ट्स वो एक जैसे हैं, एंड आर ऑफ वन टाइप, एक टाइप के। अब ये भी पॉसिबिलिटी है, फिलहाल तो ये जो मैंने लेटर्स आपके सामने लिखे हैं इसमें सिर्फ यही दो लेटर्स ऐसे हैं जो सेम हैं, एक टाइप के हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं यहां पर लिखता हूं, पी ए एन ए एम ए। यहां पर मुझे बताएं, ए लेटर जो है ये भी क्या है? सेम टाइप का है। ये भी क्या है? सेम टाइप का है। यानी कि यहां पर अगर इन ऑब्जेक्ट्स की बात करें, लेटर्स की बात करें, तो तीन ऐसे हैं लेटर्स जो सेम टाइप के हैं। समटाइम्स हो सकता है एन भी रिपीट हो रहा हो, यहां पर एन भी लिखा हो। तो अब सेकंड टाइप के सेम लेटर्स हमारे पास क्या है? एन। उनके बारे में मैं सेकंड पॉइंट में बात कर रहा हूं। ऑल्सो क्यू आर द ऑब्जेक्ट्स, क्यू आर ऑब्जेक्ट्स जो कि क्या है? अलाइक है, एंड आर ऑफ सेकंड टाइप। यानी कि ऑब्जेक्ट्स में अगर आपके पास पांच ऑब्जेक्ट्स हैं, हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हों ऐसे जो एक जैसे हों, फिर दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हों जो एक जैसे हों, चार हो गए एक डिफरेंट हो, उसके बारे में क्या कह रहा हूं? रिमेनिंग आर ऑल डिफरेंट टाइप्स। जो बाकी के हैं वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप के होंगे। फॉर एग्जाम्पल पी ए के पी ए डबल टी ए एन, कितने लेटर्स हैं? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स या ऑब्जेक्ट्स मेरे पास नाइन। अच्छा, अब इनमें से सेम टाइप के कौन कौन से हैं? ए ए और ए, ये तीन लेटर्स ऐसे हैं जो अलाइक ऑफ वन टाइप है। पहली टाइप के अलाइक लेटर्स कौन से हैं? ए। उनको मैं क्या कह देता हूं? पी। वो कितने हैं जी? तीन। अच्छा, दूसरे अलाइक लेटर्स मुझे नजर आ रहे हैं ये टी एंड टी, ये सेकंड टाइप के अलाइक लेटर्स हैं। इनको मैं क्या कह देता हूं? क्यू। ये कितने हैं? टू। नंबर ऑफ क्यूज कितने हैं? टू। समझ आ रही बात की? कि बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको हमने क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। लेकिन उन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो क्या होंगे? एक टाइप के होंगे। फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो एक टाइप के होंगे, बाकी क्या होंगे? डिफरेंट। जिस तरह ये नौ ऑब्जेक्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, मुझे इनकी अरेंजमेंट करनी है। लेकिन अरेंजमेंट करने से पहले मुझे ये पता चला कि इसमें दो ऐसे डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलाइक हैं, एक ए, दीज थ्री आर अलाइक ऑफ वन टाइप, दूसरा टी, दीज टू आर ऑफ सेकंड टाइप। और ये क्या है? अलाइक है। एक को मैंने पी कह दिया और दूसरे को मैंने क्या कह दिया? क्यू। तो जब भी आपने अरेंजमेंट करनी है तो आपने अलाइक लेटर्स का भी ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख देता हूं एस ई एल एफ, सेल्फ। मैं कहता हूं ये चार लेटर्स से मिलकर वर्ड बना है, इसकी अरेंजमेंट तो करें। तो अब आपको कोई टेंशन नहीं है, सारे के सारे क्या है? डिफरेंट है। एस ई एल और एफ ये आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते, ये क्या है? डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं वर्ड पाकपतन की बात करूं तो पाकपतन में मुझे बताएं ये नौ लेटर्स हैं, लेकिन दो लेटर्स ऐसे हैं जो सेम टाइप के हैं, एक ए ये रिपीट हो रहा है और दूसरा टी ये रिपीट हो रहा है। तो मैं यही तो बात कर रहा हूं कि आउट ऑफ विच पी आर अलाइक एंड आर ऑफ वन टाइप एंड क्यू ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक आर ऑफ सेकंड टाइप। तो अगर आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करनी तो फॉर्मूला आपके पास, ये मैं सर्कल कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहली टाइप
का फैक्टोरियल, दूसरी टाइप का फैक्टोरियल, अगर कोई तीसरी टाइप भी है तो उसका फैक्टोरियल, वो हम नंबर ऑफ जो है अरेंजमेंट इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। होप सो भाई ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं तो मजीद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं और वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन में भी हमें क्या करनी है, अरेंजमेंट्स करनी है। सिंपल जो है वो अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है, यहां पर मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। वो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी वर्ड्स, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं। आगे द लेटर, लेटर्स यूजिंग द लेटर्स या फ्रॉम द लेटर्स, फ्रॉम द लेटर्स, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ऑफ द वर्ड कासिम, ऑफ द वर्ड कासिम, इस वर्ड के लेटर्स को यूज करते हुए कितने वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं इन लेटर्स को यूज करते हुए। अच्छा यहां पर एक बात ऑब्जर्वेबल है, वो ऑब्जर्वेबल बात क्या है कि हमने फौरन चेक कर लेना है कि आया कोई लेटर रिपीटेड तो नहीं है, कोई एक टाइप रिपीट तो नहीं कर रही, तो क्यू ए एस आई एम कोई लेटर रिपीटेड नहीं है, ए भी एक मर्तबा है, क्यू भी एक मर्तबा है, एस भी एक मर्तबा है, आई भी एक मर्तबा है और एम भी वन टाइम यूज हो रहा है, यानी कि रेपिटेशन नहीं है। तो वो जो लास्ट वाला पॉइंट है वो तो हमने अरेंजमेंट्स कब कर रही है, जब हमारे पास कोई लेटर्स रिपीट हो रहे होंगे किसी वर्ड में। आगे वो कह रहा है यूजिंग, यूजिंग ऑल लेटर्स, यूजिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम, एट अ टाइम, व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड, व्हेन no letter is to be repeated, जब कोई letter repeat ना हो रहा हो तो आपने बताना है कि कितनी arrangements बन सकती हैं, how many words can be formed, इन letters की arrangement करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो दो तरीकों से यहां पे आपको मैं सिखा देता हूं, सुने, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि हमने फाइव जो है स्पेसेस को फिल करना है, फाइव स्पेसेस को फिल करना है और सारे के सारे लेटर्स को यूज करना है, यूजिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम। तो अगर आपने सारे लेटर्स यूज करने हैं तो इसका मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी बनेगी, फाइव, यहां पर मैं आपके सामने बना रहा हूं ये फाइव प्लेसेस हैं। अब पहली प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर टू फिल द फर्स्ट प्लेस, पहली प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हैं मेरे पास। तो जरा गौर से देखिएगा, पहली प्लेस पे मैं क्यू भी रख सकता हूं, पहली प्लेस पे मैं ए भी रख सकता हूं, पहली प्लेस पे मैं एस भी रख सकता हूं, पहली प्लेस पे मैं आई भी पुट कर सकता हूं और पहली प्लेस पे मैं एम भी पुट कर सकता हूं। तो पहली प्लेस को फिल करने के मेरे पास पांच वेज हैं, वो कौन कौन से वेज हैं, मैं क्यू रख लूं, मैं ए पुट कर लूं, एस लगा दूं, आई लगा दूं या एम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, देर आर फाइव वेज, क्योंकि पांच लेटर है ना तो वेज भी कितने हैं, पांच। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के मेरे पास पांच वेज हैं, तो यहां पर मैं क्या पुट कर रहा हूं, देर आर फाइव, ये फाइव क्या है बेसिकली वेज हैं, देर आर फाइव वेज टू प्लेस या फिल द फर्स्ट प्लेस, इज दैट क्लियर। अब पांच वेज में से डेफिनेटली यहां पे कोई ना कोई एक लेटर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया होगा, उसने कहा है कि नो लेटर इज रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो जब आपने फॉर एग्जांपल इधर क्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आप इसको रिपीट नहीं कर सकते, हमारे पास कितने लेटर्स बच गए हैं, फोर लेटर्स बच गए।
तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए अब हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने बचेंगे? फोर. ये फोर क्या है? वेज है. बार बार कह रहा हूं ये फोर क्या है? नंबर ऑफ वेज है. कि चार तरीकों से सेकंड प्लेस को फिल किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पर क्यू को लगा दिया है तो अब सेकंड प्लेस पर मैं या ए लगा सकता हूं, या एस लगा सकता हूं, या आई लगा सकता हूं, या एम. तो मेरे पास चार ही ऑप्शंस बची हैं. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेकंड प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं? फोर वेज. इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं. अब सेकंड प्लेस फिल होगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, पहली प्लेस पे क्यू लगा दिया, दूसरी प्लेस पे आई लगा दिया. अब थर्ड प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं? एक, दो और तीन. देर आर थ्री ऑप्शंस, या फिर थ्री वेज टू फिल द थर्ड प्लेस. अगर आपने थर्ड प्लेस को फिल करना है तो यू हैव थ्री वेज. क्यों? क्योंकि हमने, उसने कहा कि लेटर रिपीट नहीं होगा. अगर लेटर रिपीट नहीं होगा मींस एक दफा आपने पुट कर दिया तो फिर नेक्स्ट प्लेस पे आप उस लेटर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसने खुद से कह दिया है नो लेटर इज टू बी रिपीटेड. नो लेटर इज टू बी रिपीटेड. तो आप सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने वेज होंगे? डेफिनेटली अगर मैंने यहां पर एम लगा दिया थर्ड प्लेस पे, तो अब मेरे पास दो वेज बचे, ए और एस. अब यहां पर टू वेज बचे. ये क्या है? वेज है. अब उन टू में से कोई एक चूज करूंगा. फिर फिफ्थ प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं? ओनली वन वे इज देयर. ये भी क्या है? वेज. तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी? फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन. तो ये फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी, सिक्सटी टू जा वन ट्वेंटी, वन ट्वेंटी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ट्वेंटी वेज, या आप यूं कह लेंगे वन ट्वेंटी अरेंजमेंट्स. आप 120 अरेंजमेंट्स जो हैं वो इन वर्ड्स को यूज करते हुए 120 लेटर्स आप वर्ड्स बना सकते हैं. इन लेटर्स क्यू ए एस आई और एम को यूज करते हुए हम मैक्सिमम कितने लेटर वर्ड्स बना सकते हैं? 120. वो मीनिंगफुल भी हो सकते हैं, मीनिंगलेस भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे वो वर्ड्स. इज दैट क्लियर? इन पांच लेटर्स को यूज करते हुए आप 120 वर्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यही काम मैं फॉर्मूले की मदद से करके दिखाता हूं आपको. मुझे जरा एक बात बताएं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या लेटर्स फाइव हैं. यूजिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम, इसका मतलब है आर की वैल्यू भी क्या है? फाइव. एन और आर इक्वल है. एन और आर इक्वल हो तो अगर आपने एनपीआर कैलकुलेट करना है, अरेंजमेंट कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल. पूरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू भी क्या सब्स्टिट्यूट होनी है? 5. r की वैल्यू भी क्या सब्स्टिट्यूट होनी है? 5. 5 माइनस 5 0. 0 का फैक्टोरियल 1. तो ये पूरी चीज ने क्या बन जाना है? 1. तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. ये कब लिखने की जरूरत नहीं है? जब आपको पता हो कि n और r क्या है, आपस में इक्वल है, तो फॉर्मूला सिर्फ इतना ही यूज किया करो. n फैक्टोरियल मींस 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. तो ये कितना आ जाएगा? 120. तो देखें कोई रिजल्ट नहीं है. इज दैट क्लियर? तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने, एक सिंपल सा परमुटेशन का सॉल्व किया. एक और क्वेश्चन करूंगा, मजीद चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो यहां पर कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भी यहां पर आपके सामने लिखूंगा. ले जी, इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है हाउ मैनी अरेंजमेंट्स, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स, ऑफ द लेटर्स of the word, of the word Panama taken all together,
taken all together, तमाम words को आपने at a time use करना है, taken all together. तो arrangements आपने बतानी, क्या बतानी है arrangement, how many arrangements, बिल्कुल पहले जैसा question है ना. लेकिन यहां पर वर्ड जो यूज हुआ है, पहले क्या था कासिम, अब क्या है पनामा. लेकिन हमने देखा था कासिम में कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा था. लेकिन यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें, ए जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 times रिपीट हो रहा है, वो जो लास्ट वाला पॉइंट में स्टार्ट में लेक्चर के आपको समझा के आया था. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जो है वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने हैं, 6. और जो नंबर ऑफ एज हैं, नंबर ऑफ एज जो हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, जिनको हम पी से प्रेजेंट कर रहे थे, वो कितने हैं, 1, 2, 3. अब मुझे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल ओवर पी फैक्टोरियल. आगे अगर कोई और भी लेटर रिपीट हो रहा होता, पी रिपीट हो रहा होता, या एन रिपीट हो रहा होता, या एम रिपीट हो रहा होता, तो हम उसको नंबर ऑफ पीज कहते और उसको किससे प्रेजेंट करते, क्यू से प्रेजेंट करते. और वो जितने होते वो यहां पर क्यू फैक्टोरियल की शक्ल में आता, फिलहाल वो नहीं है. तो एन फैक्टोरियल कितना है हमारे पास, 6 फैक्टोरियल ओवर पी कितना है, 3 फैक्टोरियल. इसको सिंप्लीफाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि इसको आप 3 फैक्टोरियल ही डालने दें, ये कैंसिल हो गया 3 फैक्टोरियल से. 6 4 24 वर्ड्स हैं. इतनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं आप इन वर्ड्स को अगर आप यूज करें, इन वर्ड्स को अगर आप यूज करें. तो ये मेरे ख्याल से मैं एक यहां पर 5 मिस कर गया हूं. 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 5 30 34 120. ये 120 अरेंजमेंट्स बनेंगे. कितनी बनेगी, 120 अरेंजमेंट्स बनेगी. इज दैट क्लियर. तो ये मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन जो मैंने चीज डिस्कस की थी उससे रिलेटेड सॉल्व कर दिया है. तो होप्सो के आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ मजीद क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स पे बात करूंगा. अभी मैं आपको ये कहता हूं कि आपकी बुक की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं अरेंजमेंट्स के, आप उन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, वो इसी से रिलेटेड, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो. फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं.